जालंधर के एक निजी होटल में नीमा जालंधर की मासिक संगोष्ठी का आयोजन डॉक्टर सतबीर सिंह की अध्यक्षता में किया गया, जिसमें श्रीमान अस्पताल के कैंसर रोगों के प्रसिद्ध डॉक्टर बुरहान बानी तथा रेडिएशन ऑन्कोलॉजी के विशेषज्ञ डॉक्टर नवीन कंडा मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित हुए। इस दौरान सर्वप्रथम भगवान धन्वंतरी जी का पूजन किया गया। इसके बाद डॉक्टर सतबीर ने आए हुए नीमा सदस्यों का स्वागत किया। तदुपरांत डॉक्टर बानी ने कैंसर जैसी भयानक बीमारी, विशेष रूप से औरतों में फैलने वाली ब्रेस्ट कैंसर और सर्वाइकल कैंसर के विषय में बताया। उन्होंने ये भी बताया कि समय से उपचार और पूर्ण जागरूकता से ही इस रोग और इसकी विकृतियों से बचा जा सकता है और एक स्वस्थ समाज की स्थापना की जा सकती है। इसके बाद स्पोर्ट्स सेल के चेयरमैन डॉक्टर पुनीत गौतम ने बीते दिन हुए स्पोर्ट्स मीट के विजेताओं, मेंटोर और स्पॉन्सर को सम्मानित किया। तो वहीं मंच का संचालन डॉक्टर नीरज कालरा ने बहुत खूबी से किया और राष्ट्रीय गान के साथ मीटिंग का समापन हुआ। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन नवीन की रिपोर्ट। आज इस मौके पे हमने नीमा जालंधर के साथ ये एक मीटिंग करी थी। इसमें मीटिंग में हमने बहुत सारी चीज़ों के बारे में आज बात की। उसमें इम्पॉर्टेंट है जो कॉमन कैंसर्स इन वुमेन, जो महिलाओं में जो कॉमन कैंसर्स होते हैं, वो आज हमने इस मीटिंग में डिस्कस किए। उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट हमने ब्रेस्ट कैंसर और सर्वाइकल कैंसर्स में उसका बर्डन ऑफ डिजीज़ कितना है, कितना उसका प्रकोप है, और दूसरा उससे कितने सारे जो है प्रॉब्लम्स होते हैं, कितनी सारी पेशेंट्स की डेथ होती है, उसके बारे में हमने बात की। इसके साथ साथ हमने उसके क्या शुरुआती लक्षण होते हैं, कैसे उसको शुरुआती लक्षण को डिटेक्ट किया जा सकता है, उनके बारे में बात की। आज ये भी डिस्कस किया कि रेडिएशन का की रोल हैगा। रेडिएशन सर्जरी तो पहले दी जाती है और सर्जरी तो बाद ते केड़े केड़े फैक्टर्स पॉजिटिव होंगे जिस करके असी जो है रेडिएशन नू अगे ट्रीटमेंट लई असी जो है पेशेंट नू एडवाइस करते हैं। सो अज जो सारा साडा जो टॉपिक सी वो सर्वाइकल कैंसर ते ब्रेस्ट कैंसर से सी, एंड रोल ऑफ रेडियोथेरेपी मीनस रेडिएशन दी लोड कदों होंदी, असी सारा कुछ डिस्कस किया है। और काफ़ी सारे क्वेश्चन सी लोगों के कि जो गट है वो किस तरीके दी होंदी है, गट अगर किसी नू हो जाए तो किस तरीके से असी डायग्नोसिस करके उन्हें ट्रीट कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें आज असी डिस्कस की है।